हेलो फ्रेंड्स, जागृति रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे कंडेंस मिल्क जो है, आप एगलेस बेकिंग में कोई भी केक बना वगैरह बनाना है उसमें आप उसका उपयोग कर सकते हैं। और कोई भी मिठाई आपको बनानी है तो उसमें मावा की जगह पर कंडेंस मिल्क का उपयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने लिया है चीनी, बेकिंग पाउडर और दूध। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई रख दी है, मोटे तले वाली कढ़ाई हमने ली है यहाँ पे, ताकि दूध जब उबलेगा तो इसमें चिपकेगा नहीं। 1 लीटर जितना हमने यहाँ पे लिया है दूध, वो कढ़ाई में डाल देंगे और दूध को अच्छी तरह से उबाल आने तक गर्म करेंगे। तो दूध में अभी ये देखो, हमारा उबाल आना शुरू हो गया है। अभी इसको थोड़ा सा हिलाएंगे और उसमें डाल देंगे चीनी। यहाँ पे 400 ग्राम जितनी चीनी मैंने ली है वो डाल देंगे। और चीनी को थोड़ा सा हिला के मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। यहाँ पे 1 टीस्पून जितना मैंने लिया है बेकिंग पाउडर वो डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी हम इसको अच्छी तरह से उबालेंगे, इसको इसी तरह से हिलाते हुए एकदम ठीक करना है हमें। तो देखो, ये दूध जो है हमारा आधा हो चुका है और एकदम घट भी हो चुका है। तो बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। देखो, ये कंडेंस मिल्क हमारा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। बाउल में निकालने के बाद हम इसको ठंडा होने तक थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहेंगे, ताकि तर की परत ना जम जाए। तो देखो, यही कंसिस्टेंसी चाहिए हमें ठंडा होने के बाद। ये बिल्कुल ठंडा होने के बाद हम इसको फ्रीज में 1 महीने तक संभाल के रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बनाइए आप कंडेंस मिल्क और अपने अनुभव हमें जागृति वेज फूड पर जरूर लिखें। बताएं कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।